अंतर्राज्यीय शराब तस्करों के विरुद्ध 24 घंटे के भीतर उत्पाद विभाग की टीम को मिली दूसरी बड़ी सफलता। झारखंड बिहार सीमा पर स्थित टंडवा गांव के मनीष साव के घर में संचालित मिनी शराब फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, भारी मात्रा में नकली शराब बरामद। दुर्गा पूजा के दौरान ड्राई स्टेट बिहार के विभिन्न हिस्सों में खपाने की थी माफियाओं की साजिश। चतरा में उत्पाद विभाग की टीम को 24 घंटे के भीतर शराब माफियाओं के विरुद्ध दूसरी बड़ी सफलता हाथ लगी है। दुर्गा पूजा को लेकर उपायुक्त अबू इमरान के निर्देश पर छापेमारी अभियान पर निकली उत्पाद विभाग की टीम ने हंटरगंज के केदली गांव निवासी धीरू साहब के घर में छापेमारी कर 30 पेटी अंग्रेजी शराब के खेप को बरामद करने के चंद घंटे के भीतर ही झारखंड बिहार सीमा पर स्थित प्रतापपुर थाना क्षेत्र के टंडवा गांव निवासी मनीष साहब के घर में संचालित मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करके 60 पेटी नकली अंग्रेजी शराब की खेप और शराब बनाने में प्रयुक्त 200 लीटर स्प्रूट को बरामद किया है। उत्पाद अधीक्षक शिवकुमार साहू ने बताया कि बरामद शराब की खेप को दुर्गा पूजा के दौरान ड्राई स्टेट बिहार के विभिन्न हिस्सों में आपूर्ति किए जाने की योजना थी, जिसे समय रहते टीम ने नाकामयाब कर दिया। उपायुक्त महोदय चतरा के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में ये दशहरा पर्व को देखते हुए सघन छापामारी किए जाने का निर्देश प्राप्त है और इस संबंध में हमारी टीम के द्वारा लगातार छापामारी किया जा रहा है और आशातीत सफलता भी प्राप्त हो रही है। इसी आलोक में हम लोगों को आज पुनः एक सूचना प्राप्त हुई कि प्रतापपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत टंडवा नामक गांव में, जो कि बहुत सुदूरवर्ती गांव है, वहां पर डुप्लीकेट शराब संचित किया हुआ है। उक्त के आलोक में हमारे अवर निरीक्षक उत्पाद आशीष पांडे के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया और तत्काल घटनास्थल पर टीम भेजी गई और नाम निर्दिष्ट व्यक्ति मनीष साव के घर पर जब विधिवत तलाशी ली गई तो उसके घर से लगभग 60 पेटी अवैध नकली शराब प्राप्त हुआ। नकली शराब मतलब कि वो बनाया हुआ शराब है और इसी क्रम में 5 बड़े जर्किन में से स्प्रिट, लगभग 200 लीटर स्प्रिट प्राप्त हुआ और मुख्य अभियुक्त जो था वो घटनास्थल से फरार था और सभी जब्त प्रदर्श को जब्त करते हुए उसको हम लोग अपना कार्यालय ले आए हैं और इस विषय में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया तो अभी मनीष साव अभियुक्त है और जो भी व्यक्ति संलिप्त हैं उनको चिन्हित कर उन पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और हम लोगों की यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। देखिए, जिस स्थल से हम लोग शराब को जब्त किए हैं वह एकदम बिहार से सटा हुआ है, बिहार बॉर्डर से एकदम सटा हुआ गांव है और हम लोग जब इस व्यक्ति को ढूंढने के लिए गए तो हम लोग बिहार भी पहुंच गए। जब हम लोगों को पता चला ये बिहार राज्य है तो हम लोग वापस आए और फिर पता करके हम लोग घर में पहुंचे और ये एकदम सटा हुआ गांव है और निश्चित रूप से जो भी शराब, अभी इस तरह का शराब हम लोग जब्त कर रहे हैं वो बिहार राज्य में ही बेचने के लिए बनाया जा रहा है या उनका स्मगलिंग किया जा रहा है, क्योंकि बिहार एक ड्राई स्टेट है तो भरसक प्रयास रहता है स्मगलरों का कि वो बिहार राज्य में इस तरह का शराब को बेचे। इसीलिए जो शराब अभी हम लोग जब्त कर रहे हैं वह बॉर्डर क्षेत्र से ही हम लोग जब्त कर रहे हैं।